नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़। मैं शिवम सिंह। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में चोरों को आतंक इतना कि बेखौफ होकर वो चोरी करते हैं। दिन दहाड़े आम पब्लिक हो या आम जनता हो, किसी को भी नहीं बख्शते। कुछ ऐसे देखने को मिला है कि 90,000 रुपये की चोरी हुई है और वहीं पर प्रशासन, जनता, आम पब्लिक, डीएम, एसडीएम सबको भी सूचना दी गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और चोर बेधड़क बेखौफ होकर समाज में घूमते हैं और अपने वारदात को देते हैं अंजाम। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मान सिंह की रिपोर्ट। एसपी साहब से फ़ोन पे बात की, एसओ साहब के पास भी गया, इंचार्ज साहब के पास भी गया। अभी सुबह कल कुछ घंटे बाद बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें आश्वासन ही मिला है। आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं मिला। प्लीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अहमद उर्फ रिज्जू, जलालपुर बोरियो निवासी जलालपुर बोरियो। ये इसरार प्रधान जो बता रहे हैं जलालपुर बोरियो के जी, कि हमारे साथ ये घटना घटी है, क्या मौके वारदात पर आप उस समय वहाँ पर थे? जी, मैं मौके पर साथ में था। अच्छा, क्या घटना घटी जी? वहाँ से जो है तो फूलचंद पटेल के यहाँ से प्रधान जी ने वहाँ से बेसिक का पैसा लेके आए। उसके बाद में वहाँ पे कितना बेसिक पैसा लिए हुए थे? 90,000 रुपये। अच्छा। और उसके बाद में पॉकेट में रखे हुए थे, वहाँ से उसने गाड़ी लगाया। फिर उसके बाद में वहाँ पे बात की, थोड़ी ही दूर पे यूनियन बैंक है, उसके बाद में वो खड़ा था। उसके बाद में प्रधान जी की गाड़ी रोका, वहाँ पे जो है प्रधान जी से लपटी लुपटा कर रहा था और उसके बाद में जो है पैसे छीन लिया। और जब प्रधान जी ने मुझको बुला आवाज़ दिया तो मैं मौके पर पहुंचा तो मुझको धक्का मार के गिरा दिया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से चला गया। अच्छा, भाग गया। तो मौके पर कोई, जब घटना घटी, कोई पहुंचा था? नहीं, कोई नहीं आया था उस टाइम। पुलिस वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था। प्रधान जी ने जब पुलिस को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो मोबाइल छोड़ा लिया था। मोबाइल? अच्छा, ठीक है। किस जगह घटना है? ये यूनियन बैंक मूरतगंज के मूरतगंज का है। ठीक है।